Good morning from Avalok, होमस्टे एंड हॉस्टल। मैं यहाँ पर कल रात शाम को आ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इधर आके मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश हुआ, फिर सुबह उठा लेट, रात को लेट भी सोया था, डेटा कॉपी कर रहा था, फिर घर में बात किया बस, फिर मोबाइल में स्कोर बोर्ड देखते देखते IPL का लेट हो गया। अभी सुबह उठा, उठ के हम लोग तैयार हो गए, लगभग 9:30 बज रहा है। अभी जा रहे खरडुंगला, बस एक बड़ा पास रह गया खरडुंगला, उसको कर लेंगे। तो ये जो मेरा जर्नी था यहाँ तक आने का, लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासेस, मुझे मेनली हाई पासेस करने का था। और कहीं जो घूमने की जगह है, ब्यूटीफुल जगह जैसे डिस्किट रहेगा, नुब्रा वैली, सुमोरेली लेक, ये सब मुझे एक्चुअली करना नहीं था। पेंगोंग लेक भी उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि, बट ऑन द वे था तो वो भी कर लिया। मुझे मेन जो था खरडुंगला करने का था, और खरडुंगला के बाद मैं वो क्या बोलते हैं मेन जिसके लिए आया था वो था उमिंगला पास, चंगला पास हो गया। अभी बाकी रहा खाली खरडुंगला, वो मैं करके फिर आज थोड़ा इधर ही घूमेंगे और फिर कल सुबह रिटर्न चालू करूँगा अहमदाबाद के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी मोटो ब्लॉग में। मैं एक बार मेरा बाइक घुमा के बाहर निकल लूँ, फिर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाइक निकलना भी एक टास्क है, बहुत कंजेस्टेड है, एक कार भी पार्क्ड है, वो सब निकाल के फिर अपना गाड़ी निकलेगा। चलिए मिलते नीचे। हो गया ऑलमोस्ट तैयार, और अपना छत्तीसगढ़ भाई एज यूजुअल ऑल लेट, मालूम नहीं कब जाएगा कब आएगा। तो आज का डेस्टिनेशन है 34 किलोमीटर खरडुंगला, हेड नॉर्थ दिखा रहा है। बेसिकली बाहर में बहुत ठंडी होने वाली है, बस 34 किलोमीटर आप चढ़ना है, 34 किलोमीटर नीचे आना है, 2 घंटे में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी टाइम हो रहा है 10:30, 12:30, 1 बजे तक रिटर्न हो जाना चाहिए। फिर से सेम गली, और ये लंबे लंबे मेरा फेवरेट ट्रीज, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से निकलते ही पेट्रोल का तो याद ही नहीं था, ये पेट्रोल पंप देख के याद आया कि पेट्रोल भरना पड़ेगा, और मेरा गाड़ी ऑलरेडी रिजर्व में है। नो नो, यहाँ तो बाइक में पेट्रोल भराने का बहुत बड़ा लाइन है। नहीं नहीं, लाइन नहीं है, फुल कर दो। 5867 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी घर से। ओके, शो मी योर आरसी एंड योर वन आईडी कार्ड। आरसी एंड ड्राइविंग चलिए जी, थैंक यू सो मच वंडरलस निहाल जी, थैंक यू। पर उन्होंने तो मेरा मुंह चेक किया ही नहीं, हेलमेट तो मैंने निकाला ही नहीं। खरडुंगला 34 किलोमीटर, एज यूजुअल प्रशांत पीछे रह गया। ये हल ले सिटी, और वो रहा शांति स्तूपा। इनसे रोक के पूछ के कोई फ़ायदा नहीं कि कैसा है रोड है, जाना तो है ही, अगर उमिंगला चढ़ गया तो ये तो चढ़ना ही है। दिखने से अच्छा भी लग रहा, डर भी लग रहा, ऊपर से नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। जैसे डीजल का स्मोक इतना ज़्यादा है ना, ये शुरू हुआ ड्राइव। ये साइड है, लेफ्ट साइड से चलाना पड़ेगा, बस ऐसा ही है, चढ़ाना है खरडुंगला अगर चढ़ना है तो, शायद वहाँ चढ़ाना पड़ेगा। रास्ता तो दिख रहा है, वो रास्ता दिख रहा है बर्फ में, अगर आपको दिख रहा है तो वो शायद वहाँ तक चढ़ाना पड़ेगा हमको। बर्फ में एक लाइन दिख रहा है आपको, बीच में जो पहाड़ है वो लाइन, वहाँ तक चढ़ाना पड़ेगा।
एक समय ये खारडुंगला सबसे हाईएस्ट था जब तक उमिंगला नहीं था। 2-3 साल पहले उमिंगला खुला और फिर पब्लिक के लिए खुला, तब से वो हाईएस्ट हो गया। ठंडी बढ़ गई है, ओह यस, यहाँ आते आते ही ठंडी बढ़ गई। अब ये सीधा चढ़ाने का है, कहाँ यहाँ चौड़ा रास्ता है। ये मिट्टी आई थिंक ये रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर टिकट। और आपको तो वेलकम किया ही नहीं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट वासियो, मैं राइड कर रहा हूँ लद्दाख ओनली हाई पासेस के लिए। और अभी तक उमिंगला, चांगला, जोजिला सब हो चुका है, अभी बाकी था खारडुंगला जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे, आज के 1 बजे तक नीचे आ जाएंगे, फिर थोड़ा टाउन घूमेंगे और बस यही प्लान है। ये देखिए पहाड़, अभी तक आइस आया नहीं है, स्नो आन मिलने वाला है। साउथ पुलू करके एक जगह है, पहले साउथ पुलू तक पहुंचेंगे, फिर वहां से खारडुंगला के लिए चढ़ेंगे। बहुत ऊंचा आ गया है, यहाँ से दिख भी रहा है। बस रास्ता ऐसे ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, धीरे धीरे चढ़ रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा गाड़ी, आप देख रहे हैं, वो जहाँ वहाँ से आए हम लोग। और वो रास्ता शांति स्तूप आपको अगर दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। साउथ पुलू के लिए रह गया 9 किलोमीटर और, ये दो पहाड़ के बीच में यहाँ से कुछ पॉइंट है आई गेस। यहाँ सब क्यों रुका, हम कभी रुकने दो फिर। व्यू पॉइंट, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा ना, थोड़ा फ्रीली चला पाऊँगा यहाँ पर। बस सब रुके थे तो हम लोग भी रुक के देख लें। ये भाई कुछ ज़्यादा ही नज़दीक जगह फोटो खींच रहे हैं, मतलब नहीं वो मैंने देखा फिक्स है, ये बैकग्राउंड लेना वो बेहतर फिक्स है। ये था व्यू पॉइंट इधर का और हमारा। चल तू लीड कर अभी। बेसिकली ऊपर आइस गिरा है, स्नोइंग हुआ है, ठंडी बढ़ गई भाई। रुकने से ठीक है, बाइक चलाने से ज़्यादा ठंडी लगती है। बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। अभी स्टीप क्लाइम नहीं था, अभी एक स्टीप क्लाइम आने वाला है। नीचे ले सिटी पूरा दिख रहा है अभी भी। आधा घंटा हो गया हम लोग चला रहे हैं गाड़ी, ऐसा करता आ रहे हैं आधा घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। मगर साउथ पुलू अभी तक आया नहीं, साउथ पुलू से भी 14-15 किलोमीटर होगा। साउथ पुलू 2 किलोमीटर रह गया आई थिंक। हम लोग आ गए साउथ पुलू चेक पोस्ट। किस चीज़ का चेक पोस्ट भाई? यस सर, यहाँ पर एंट्री कराना पड़ता है तो एंट्री कर लेते कि बंदा ठीक सलामत पहुँच गया है। सीक्रेट स्पेल, हाँ जी सर, निहार GJ 27। ओह इतना कितना सीढ़ी चढ़ा मैंने, 10 सीढ़ी भी नहीं होगा, चश्मा फॉग हो गया था। वो रास्ता है यार, साउथ पुलू कैफे, बहुत अच्छा लिखा सियाचिन वॉरियर्स, थैंक यू सर, सियाचिन वॉरियर्स। वाह यहाँ से तो रास्ता चौड़ा हो गया, अब असली 12-15 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। एक तू ओ ओ ओ ओ शायद रुकना पड़ेगा, बहुत ठंडी हो रही है। प्लीज़ ड्राइव केयरफुली भाई,
जैकेट पहनना पड़ेगा यार, रेनकोट से क्या होता है विंड अंदर नहीं जाता है। दो मिनट रुक जा और एक बार हेल्प करना, बाद में तू ब्लॉक कर, फिर तू ब्लॉक खत्म फिर निकलेंगे। तू निकल, तेरा चालू करके निकलने के लिए आधा घंटा लगेगा। देखा अभी तक चालू नहीं कर पाया, मैं ग्लव्स पहन लिया फिर से यार, बाइक से उतरा चढ़ा थक गया। ओह चलो चलो लेट्स डू इट। अब तो गर्म लगने लगा, ठंडी नहीं लग रही है। वाटर क्रॉसिंग क्या फुल, ये ही है बेकार चीज़ है, इसमें ब्लैक आइस रहता है और पिसलते हैं। देख रहे स्कीइंग कर रहा है तू, चल नॉनवेज खाता नहीं मांस खाते हुए। आफ्टर ये बर्फ को पहली बार छूके समझ, जब समझा इस आइस को, स्नो में स्की करना आसान बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ जोक एंड ये एक सीरियस स्पोर्ट्स है, सीरियस स्पोर्ट्स है, नहीं करना। इसको क्या हो गया, भगा रहा है पानी, बच के रहने का पानी से, पानी ओह ये रोड तो और खराब है, बहुत खराब है। चल 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 चल, 7-8 किलोमीटर रह गया होगा अगर गलत नहीं हो तो। 1 घंटा हो गया हम लोग चढ़ रहे, अब समझो पूरा जो 34 किलोमीटर है उसमें 24 किलोमीटर हाथ एकदम हाथ दुख रहा है। ये देखो क्या करना है, मेरे को जाने बोल रहे, मतलब ये आधा घंटा रुकेगा। ये सॉफ्ट स्नो जो व्हाइट वाला है ना सॉफ्ट स्नो, उसको खेलने अच्छा है, और ये जो हार्ड हो गया है आप गारंटी स्लिप करके गिरेगा, गारंटी लगेगा। कान बंद हो रहा है मेरा, जैसा फ्लाइट में होता है ना ऐसा। ऑब्वियसली 17,000 फीट अप्रोच कर रहा हूँ। आज मैं रोहन का फोटो देख रहा था, भांजा, मामा का भांजा रोहन, उसका फोटो में लिखा था 19,900 और रोड खराब हो गया यार। अभी तक रोड अच्छा था, जितना टैक्स बढ़ा उतना ही रास्ता बनाया इन लोग ने, ये वजह से लो हम कंफर्टेबल ये वजह से ही रहते। ये आइस स्लाइड होकर रास्ते पे आ गया एवरेज जैसा, ये अच्छी चीज़ें रखना, रख लेते, कोई किसी को चाहिए तो दे देंगे। अब लग रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इतना अच्छा आया लास्ट के 10 किलोमीटर क्यों ऐसा, अच्छा यहाँ से अच्छा है, ये चीज़ दिखाना था मुझे। मर्डर आ गया काटूंगा, 1 घंटा 10 मिनट लग गया मुझे लाने के लिए, सबका फोटो खींचना है पर खाडुंगला के पास, जो भी गाड़ी लाता है वो अपना खाडुंगला के पास ही फोटो खींचता है। हेलो फ्रॉम खाडुंगला, फाइनली हम लोग खाडुंगला पहुंच गए और बाइक लेके बहुत सारा फोटोग्राफी किया, और ये देखे जो खाडुंगला का माइटी स्टोन लिखा है, ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खाडुंगला एल्टीट्यूड 17,982 फीट। आप एक बार आप मैं कैमरा घुमाता आप देख लीजिए, ये देखिए फाइट चलते रहता फोटोग्राफी लेके, और यहाँ पर लिखे एल्टीट्यूड 17,982 फीट माइटी खाडुंगला टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
मैं आपको चारों बाजू दिखाता हूँ खाटुगना का। स्लोली से ये देखिए, थोड़ा सा सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, हाँ थोड़ा फिट होना पड़ेगा बहुत। एक एक कदम पे हम लोग थक जा रहे हैं। ये ऊपर में मंदिर है, मेडिकल कैंप है एंड मिलिट्री बेस है, और पीछे एक गैराज है, उसके बाद एक कैफ़े है। बस मेरा जो ये इच्छा था, हाई एल्टीट्यूड में सबसे हाईएस्ट टॉप में आप टॉयलेट पासिस में राइड करना, वो आज कंप्लीट हो गया। आज है 11th डे और मैं 12th डे स्टार्ट करूँगा वापस टूवर्ड्स अहमदाबाद। और देखो ये फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं। ब्रो थैंक यू, आई डू हैव कैमरा, थैंक यू सो मच। अच्छा है अगर कैमरा नहीं लाते हो तो मैं कैमरा मैन मिल जाते अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए। बस यही है, चलिए जाते कैफे के अंदर। एक कदम नहीं लिया जाता सर, एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये कैफ़े नहीं है, ये आर्मी का सोविनियर सब मिला, तो मैंने लिया दो, एक दो मग लिया एज ए सोविनियर, और एक दो मैं फ्रिज का जो मैग्नेट आते वो खाटुंगला का, और कैफ़े ये रहा वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े खाटुंगला, जो है नहीं अभी, ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया। और बस ख़त्म हमारा, ये हमने लगभग हाफ एन आवर निकाला एंड थोड़ा यूज टू हो गया यहाँ के एल्टीट्यूड, अच्छा से ब्रीथ कर पा रहे, जैसे आए थे थोड़ा तकलीफ हो रहा था बट स्टिल एक दो कदम लेते तो हाँ पे ही रहे हम लोग। बस जल्दी जल्दी अभी उतरते ले सिटी, फिर आपको वहाँ मिलते हैं, अभी मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं आपको। हेलमेट पहना और थक गया, ओह वो है ना एक गुजराती सीरियल, मैं तो फिर से थक गया, हर कदम में मैं तो फिर से थक गई, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। अभी 30 किलोमीटर सीधा नीचे, लेट्स डू इट, उतारना तो शायद जल्दी जल्दी हो जाएगा, सेकेंड गियर में रख के गियर ब्रेकिंग करते 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 नीचे जाएंगे। टाइम हो रहा है 12:45, हम लोग ने यहाँ पर 40 मिनट के ऊपर रुका, ये हाई पासिस में आना ज़रूरी था, जरूरी इसके था क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनली अचीवमेंट था। भाई चेंज करते फिर चलते, ये फिर से ये आ गया प्रेयर व्हील, क्या बोलती है इसको, आ गया अवलोक अवलोक।
फिर से आए थे ले मार्केट। ले मार्केट में तो थोड़ा सा सोविनियर खरीदे और ले सिटी का मेन गेट पे जाना है अभी। राइट, हाँ हाँ, सीधा चल, नहीं 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 आगे जान दे। देखा ये सामने देख, ये रहा ले का मेन गेट, इसको मेन गेट बोलते हैं, सिटी मेन गेट। कंबल कारपेट सब मिल रहा है इधर। देखो कोना पे लाके रख और फोटो खींचेंगे ना, ऐसा नहीं यू टर्न मार के आना पड़ेगा। हाँ वो देख कटन, हाँ बस यहीं रख। ये है ले सिटी का गेट और इनका जो स्तूपा या मंदिर। मैं अभी खड़ा हूँ ले सिटी गेट के सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल बना, तो मैं बोला रुक के थोड़ा इसका लुक लिया जाए, मस्त दो चार फोटो खींचे। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपना अवलोक हॉस्टल, वहाँ जाके बस थोड़ा पैकिंग वैकिंग करके कल सुबह के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सही बनाया, मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ, बहुत सही लगता है।